Husain Dalwai, please take only 5 minutes, eh? Only five minutes for you. Sir, जब यूपीए सरकार थी तो दाल के दाम बढ़ गए 70 तक गए, बड़ा हंगामा हुआ, ये सदन में भी बड़ा हंगामा रोज होता था, कितनी दाल महंगी हो गई महंगी हो गई, हर दिन बात चलती थी वही। आज दाल 200 तक गई तो भी सरकार ठंडी क्यों है? पासवान जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आप डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं। डॉक्टर लोहिया जी ने दाम बांधो नीति दी थी, आज आपके हाथ में यह है, अगर है तो, क्योंकि सारा वो पीएमओ के पास रहता है, आपके हाथ में क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर है वो दाम बांधो नीति लाइए, तब कुछ सुधार होगा ऐसा मुझे लगता है। ऐसे यूपीए की सरकार के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, यहाँ इनिशिएट करते वक्त एक मेहमान, एक ऑनरेबल मेंबर बोले कि हम आपके ज़माने में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, अभी पीछे के दाखले देते देने के बजाय अभी क्या हो रहा है, और आपके हाथ में सरकार आई है, पूरा मेजॉरिटी मिल गई है, तो क्या क्या करेंगे? आज ऐसा है, 2 साल में आप एक ही काम किया, 3 गुना बढ़ोतरी आपके ये महंगाई की हो गई, 3 गुना दाल के भाव 3 गुना बढ़े, और अनाज के दाल भाव भी बढ़ गए, 7वां वेतन आया है। कुछ कर्मचारी मुझे बोले काय का 7वां वेतन, 7वां वेतन हमारा दाल खरीदने में जाएगा। थेटरोलॉजी करके बिहार में बोलते हैं, कुछ भी बातें करने की, इस तरह से होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया से आपने दाल लाया, हमें एक हमारे फ्रेंड के बीवी ने फोन किया, बोलती है वो दाल गलती ही नहीं, पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खाने के लायक नहीं, और बदबू इतनी आती है कि घर के लोग वहां यहां वहां जाते हैं। और आपको बताता हूं, कुछ गोरक्षक भी मुझे ऐसा बोले कि ये दाल गायें भी खाती नहीं। अभी ये क्यों लाए मुझे मालूम नहीं। क्या क्या आपने लोगों के निवाले से दाल भी निकाली और मटन भी निकाला, प्रोटीन्स कहां से मिलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोरक्षक हूं, मैं ये नहीं कहता कि गाय की कत्ल होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन आप हर जानवर के बारे में बोलने लगे। गरीब आदमी जो कुछ खाता है उसके गरीबों के खिलाफ ये सरकार सब कुछ क्यों करती है, मेरे ध्यान में आता नहीं। यूपीए के जमाने राइट टू फूड ये पॉलिसी आई थी, आप वो उस वक्त हमारे साथ भी थे, बड़ी तारीफ करते थे, गेहूं चावल सस्ता आज भी पीडीएस के दुकान में मिलता है, दाल भी वहां दीजिए, हो सकता है आप थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी बातें हो जाएंगी। 2 बातें मैं बताता हूं कि मोजाम्बिक में आपने कुछ जमीन लेके वहां कुछ करार वगैरह किया है और उसके जरिए वहां दाल तैयार करने का काम आप करने वाले हैं, उसका क्या हुआ वो लैंड करार का, कुछ हो रहा है क्या? अरुण जेटली साहब की एक कमिटी आ गई जिसमें सीताराम, निर्मला सीताराम जी हैं, पासवान जी आप खुद हैं, राधा मोहन जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्या उसका हुआ, उसने कुछ निर्णय लिया क्या? हमें इसकी मालूमात आप देंगे ऐसा मुझे लगता है। 1.5 लाख बफर स्टॉक बनाने का आपने निर्णय लिया, अभी ये सब बातें सब चली तो आप बोले 8 लाख टन करेंगे, अभी तो 20 लाख टन की भी बात हो गई है। अभी यहां दाल का क्षेत्र जो है दलहन का तिलहन का वो क्षेत्र वही, और इतने बड़े पैमाने पर कहां से वो दाल लाने वाले वो भी हमें जरा बताइए। उसमें से आपका जो स्टॉक है उसमें से 20 लाख टन आपने खुला किया, राज्य सरकारों को आपने कहा कि ये दाल लोगों तक लेके जाओ, आपके ही सरकार मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में भी अभी तक आपकी सरकार है, कर रहेगी कि नहीं जाने दो, आज है आपके हाथ में, वो मेन को बेन को बोलिए
कि कुछ ना कुछ करिए। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां की आपकी भी सरकारें, हमारे महाराष्ट्र में है आपकी भी सरकारें वो दाल लेके पीडीएस में देने के लिए तैयार नहीं। आप कहिए ना उनको, बार बार हमारी सरकार जब थी, पासवान साहब हमारे साथ बैठते थे, तब ये यूपीए सरकार ये हमें कहती थी कि ये राज्यों ने ये काम करना चाहिए। उस वक्त एक मिनट, पांच मिनट नहीं हुए, अभी एक मिनट हुआ है, तो वो उसका 20,000 टन दाल जो दिए वो कहाँ गई, क्या गया? आपने ईडी, आईबी, रेवेन्यू एजेंसी, स्टेट पुलिस सब कुछ किया तो भी कुछ नियंत्रण नहीं आता। ये क्यों ये हो रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपने किसानों की सब्सिडी भी बंद की, हर तरह की किसानों को तकलीफ देने का ही काम कर रहे हैं। दवा के भाव तो इतने बढ़ गए कि पूछो मत, आपके हाथ में ही कुछ नहीं रहा। लोगों को प्रोटीन खाना ही बंद कर दिए हैं। महंगाई के ऊपर कोई ये नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है। ओके, कारखाने बंद हो गए हैं। हुसैन दलवाई, प्लीज कंक्लूड। आप तो टीचर थे, आपको मालूम है, और केरल बहुत अच्छा काम उसने किया, स्कूल की फीस भी बढ़ गई। क्या करने का सरकार को? मैं कहता हूँ कि कम से कम आप जो उस वक्त आश्वासन दिए वो जाने दो। लोगों के मुंह का निवाला निकालने का काम मेहरबानी करके मत करिए। सरकार आपको 19 तक कैसा ना कैसा रहना है, 19 को बाद right, जवाब लोग आपको देंगे, जरूर देंगे। डॉक्टर संजय सिंह, मैं खत्म करता हूँ।